चेन्नई में एसआरएम यूनिवर्सिटी के एक छात्र दिखला पांडुरंग रोहित को नैनो मिसाइल विकसित करने के लिए भारत के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त थी। वह भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस के उपयोग के लिए डीआरडीओ को एक रोबोट के माध्यम से प्रक्षेपण के लिए विकसित करने के बाद आतंकवाद से लड़ने के लिए मिसाइल को सौंपना चाहता था। रोहित दंचाला तिरुमला राव और श्रीदेवी का बड़ा पुत्र है। ओंगोल में कांपापलम के निवासियों उन्होंने कृष्णा जिले के वुयुरुओं में श्री विसव संगी शैक्षणिक संस्थानों से अपनी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा पूरी की और चेन्नई में एसआरएम यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। बचपन से सक्रिय छात्र के रूप में रोहित को उड़ान प्रौद्योगिकियों और मिसाइलों में रुचि रखने के लिए कहा जाता है। कुछ साल पहले विजयवाड़ा में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एयरो शो में उड़ान कैडेट के रूप में सेवा करने का अवसर मिलने के बाद ब्याज बढ़ गया है। परिवार की स्थिति का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता के वैमानिकी में शामिल होने से कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने का निर्णय मान लिया, लेकिन फ्लाइंग मशीनों के बारे में अपना शोध जारी रखा। रोहित कहते हैं, देश में कई आतंकवादी और आतंकवादी हमलों की रिपोर्ट देखने के बाद मैं हथियार बनाना चाहता था जो सशस्त्र बलों के हाथ आता है। मुंबई हमले की स्थिति में सैन्य बलों इमारतों में प्रवेश नहीं कर सकते और आतंकवादियों की हिरासत में निर्दोष लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। इसलिए मैंने नैनो रोबोट बनाने का सोचा था जो 6 जहरीले मिसाइलों को ले जा सकते हैं और उन्हें आतंकवादियों पर गोली मार सकते हैं। अपनी परियोजना पर कार्य करते हुए रोहित ने एक मिसाइल को 1 सेमी लंबाई तैयार की जो लाल फॉस्फोरस को जलाने से उड़ सकता है और 3 मीटर की दूरी के लक्ष्य को मार सकता है। वह अब ईंधन को अधिक जोर देने और मिसाइल का वजन कम करने के लिए काम कर रहा है ताकि इसे लंबी दूरी पर लक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा, मिसाइल बुनियादी तोप सिद्धांत पर काम करती है। मिसाइल के बुनियादी प्रोटोटाइप चेन्नई में पुलिस रामापुरम के सहायक आयुक्त की उपस्थिति में परीक्षण किया जाता है और वीडियो जुलाई 2017 में मान्यता के लिए भारत के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को प्रस्तुत भारत के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्यूरो प्रविष्टि स्वीकार किए जाते हैं और प्रोटोटाइप मान्यता प्राप्त छोटी काम करने वाली मिसाइल के रूप में अपनी खुशी साझा करते हुए रोहित ने कहा, मुझे पता है कि सही नैनो मिसाइल बनाने के लिए बहुत सारे शोध उपकरण और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है कि मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं इसे बना सकता हूं और अब लोगों के साथ एक टीम बनाने और प्रायोजकों की तलाश कर रहा हूं। जब परियोजना पूरी हो जाती है तो मैं डीआरडीओ को परीक्षण और सशस्त्र बलों के हथियारों में शामिल करने के लिए सौंप देगा।